ओम शांति। देखो कलयुग के हिसाब से मनुष्य आहार का कई प्रकार के जो इफेक्ट होता है, जैसे हम एक इस लेवल से देखें, हमको एक बिल्डिंग गिर गया तो कितना लॉस होता है, लाखों का लॉस होता है। एक पत्थर फट गया कितना लॉस होता है, 5 रुपयों का लॉस होता है। सो कलयुग में हमारे शरीर को 90% बीमारियों से बचने के लिए छोटा सा हमसे हम मानते हैं कि ये भी एक तरह के हिंसा है, वो भी थोड़ा इग्नोर है, नेग्लिजिबल है, उसे कुछ इतना कास खराब नहीं होता है। वो होता प्रकृति का हिसाब से वैसा होता है। देखो हमको देखने के नजारे में कई चीजें ही देखने में आता है, हमके पीछे बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन अब खाते समय किस भाव से खाता है वो इम्पोर्टेंट है। जब आप खाते हैं तो इस भाव से नहीं खाना कि मैं खा रहा हूं, आपका नाम क्या है, चेतना। तो ये खाना चेतना का है, मैं शुद्ध आत्मा इसको केवल देख रहा हूं, जान रहा हूं। इसलिए एक बात को आप याद रखो, आहारी आहार करता है, मैं निराहारी देखता हूं जानता हूं, तो कोई भी दोष आपको न दिखे, आप छूट जाते हैं। क्या नहीं 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 वैसे नहीं, ऐसे है, इस प्रकृति में कई प्रकार के इंद्रिया होता है, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव होता है। हमको कई चीज ये चेतना के लिए, ये प्रकृति एक जीने के लिए कई चीजें नेचर हमको एक कुदरत ने बना के रखा है। तो आपको किस चीज को इंद्रिया माने अनडेवलप्ड इंद्रियों के स्टेज में है, वो खाने के लिए ही बना है, उसको भले ले। ऐसे नहीं कह सकता मेरे सामने पॉइजन रख करके मैं बाबा क्या किरणा दे रहा हूं, ये पूरा पॉइजन अमृत बन गया, ऐसे आप ओवर बुद्धि यूज करके ही लेना। समझ में आया? आजकल लोग ज्यादा लॉजिक यूज करते हैं, इसलिए ट्रैजिक में आता है। भगवान कहते हैं जब लॉजिक छोड़ो तो आपका जीवन में मैजिक होता है। तो जीवन में मैजिक चाहिए या ट्रैजिक चाहिए, दोनों हमारे हाथ में है। समझा?